भी एक अन्ना मिले हैं जो रिपोर्टर है, इन्होंने ट्रांसलेट का काम किया है सर। और अभी बज रहे हैं रात के 12 और देखिए पूरा मारवाड़ परिवार एक साथ अभी जा रहे हैं आदि योगी जो शिवा इंस्टीट्यू है वहाँ पर अपने मारवाड़ी भाई लोगों के साथ। जी राम राम सर। राम राम। इनके साथ अभी जा रहे हैं आदि योगी शिवा जो इंस्टीट्यू वहाँ विजिट करने के लिए। और ये आदि योगी शिवा का इंस्टीट्यू, ये देखिए बैलगाड़ी इस पे बैठ के सवारी कर रहे हैं। मेन स्टेच्यू है उससे यहाँ आगे जो ज्ञान लिंगा और जो बाकी मंदिर वगैरह है दार्शनिक व्यू वहाँ के लिए, यहाँ पर अंदर जो ध्यान लिंगा वगैरह है वहाँ दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर लॉकर वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पर सभी मोबाइल और जूते वगैरह सारे जमा करा के उस तरफ आगे एंट्री है। वो मोबाइल जमा होते ही जूते खोले और उसके बाद गए कुंड के अंदर नहाए। नहाने के पश्चात वहाँ पर एक ध्यान केंद्र है, वहाँ ध्यान किया। एक दो अंदर टेंपल है, शिवलिंगा है, बहुत कुछ है देखने को। जब भी आप आओ तो ज़रूर विजिट कीजिए। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं वापस जो आदि योगी इंस्टीट्यू है शिवा का वहाँ पर, तो वहाँ अभी लाइट शो शुरू होने वाला है, वो भी आपको दिखाते हैं। इस रास्ते में रुके वापस जाते वक्त यहाँ पर चाय नाश्ता लिया है और रात के बज रहे 9 खाने खाने के टाइम नाश्ता ले रहे हैं और फिर जाके खाना खाएंगे। क्या बात है, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा टेंगा ब्रेड? अच्छा नारियल को टेंगा बोलते हैं क्या? ओके क्या बात है। रंड हाँ, तो चाय को टी, पानी ने पानी पन्नी कन्नी, अच्छा सॉरी कन्नी, क्या बात है, 3 वर्ड सीखने को मिला। नमस्कार साथियों, राजस्थान से माउंट एवरेस्ट साइकिल सफर हम फिलहाल चलते चलते पहुंच चुके हैं कोयम्बतूर। कोयम्बतूर पहुंचने पर यहां पर मारवाड़ी परिवार ने जो मान सम्मान दिया इसके लिए तहे दिल से आभार, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद साहब। भाई साहब है विकराम जी चौधरी ओशिया से रहने वाले और राणा जी चौधरी जो ओशिया, गाँव कौन सा आपका? गोपासरिया। और भाई साहब है गोदारा साहब, आपका गाँव बाले सर, हनुमान जी जेतर जेतर पाली है पाली से। और विक्रम जी अभी इंट्रोड्यूस किया ही है और अच्छा अभी मारवाड़ में तो ज़्यादा पानी है ना। ओके तो बहुत बहुत धन्यवाद सब हटे जो मान सम्मान दिया इसके लिए तहे दिल से आभार इन मारवाड़ी परिवार का। और अब अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हुए अपन मुन्नार की ओर बढ़ेंगे और इन सभी का तहे दिल से आभार, बहुत बहुत आभार आपका। और अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से मुन्नार के लिए। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ कोयम्बतूर के जो बदली बदली गलियाँ हैं इनके ट्रैफिक में। कोई उठा ही नहीं रहा था, साइकिल आगे छोड़ के आया वापस, फाइनली तिरंगा मिल गया। हवा तेज है ना जिसके चलते तिरंगा गिर गया, हवा बहुत तेज चल रही है और निकल गया तिरंगा। पैदल पैदल वापस आया, फाइनली मिल गया। वो देखिए लीलन वहाँ पर एक बार वापस लगाया तिरंगा और इस बार नीचे थोड़ा रबर से बांधा है, देखो
हवा इतनी तेज है निकल के गिर ही जाता भाई। धूप बहुत तेज खिली हुई है भाई साहब, दोपहर के बज गए हैं 3। अभी एक अन्ना मिले हैं जो रिपोर्टर है, पीछे 3 किलोमीटर मिले थे, यहाँ आने के बाद कॉल किया तो वापस आए सामने, और अब इनके ऑफिस पर लेके जा रहे हैं मुझे, मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ पीछे चल के। पर अन्ना मिले हैं, इन्होंने ट्रांसलेट का काम किया है, ठीक है सर, ये जो अभी अपना ट्रेवल जर्नी चल रहा है तमिल में ट्रांसलेट करके दिया है इन सर जी को। विच न्यूज़ पेपर? दिनाकरन। ओके थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर, ओके मिलते हैं, आभार। क्लाइमेट देखिए बहुत ही प्यारा नज़ारा है, राइड करने में मज़ा आ रहा है। पोलाची पहुंच गए हैं और शाम के बज गए 7:15। यहाँ पर मारवाड़ी परिवार के साथ अभी खाना खा रहे हैं, और प्रकाश राम जी चौधरी है जालौर के रहने वाले, इनके साथ राम राम सर। राम राम। प्रकाश जी आपका गांव कौन सा है? मांडला जालौर है ना, ओके। और इनके साथ पूरा मारवाड़ी खाना खा रहे हैं, एकदम पूरा घर की फील आ गई, क्या बात है। ब्रदर आपका क्या नाम है? विनोद है। गुड़िया आपका? रेशमा। वहाँ प्रकाश जी के घर से खाना खाने के बाद अभी यहाँ पूरे मारवाड़ी परिवार है, इनके साथ बैठ के काफ़ी टाइम से बातें कर रहे हैं, अपने जर्नी के बारे में जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ इनके जो कामकाज है उनके बारे में हम भी थोड़ा बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह जाते हैं वहाँ, हर बार कुछ कुछ नया सीखने को मिलता है। और अभी बज रहे हैं रात के 12, और देखिए पूरा मारवाड़ परिवार एक साथ अटे वोट सब ज़्यादा किए के जिले रह रही जालौर का, और दूसरे नंबर पाली और जालौर मारवाड़ नंबर 1 है, और बाकी तो हम जैसे मतलब क्या बोलते हैं अपवाद रूप में थोड़े बहुत मिलेंगे कहीं। क्या बात है, आप सभी मारवाड़ी लोगों ने दर्शन दिए और बहुत ही बहुत धन्यवाद आपरा, थैंक यू सो मच, आभार आपका।